हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का कोर्स जो चेंज हुआ है 2020-21 के लिए। इसमें हम लोग 6 यूनिट पढ़ते हैं। क्या है वो? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। आपका नंबर सिस्टम 8 मार्क्स का होगा, अलजेब्रा से 17 मार्क्स का होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 28, मेंसुरेशन 13 मार्क्स एंड स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 10 मार्क। तो हमारा टोटल किया जाएगा तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 80 मार्क्स का पेपर। ये एक्सटर्नल पेपर जो होगा उसके बारे में है, प्लस इसमें इंटरनल मार्क्स भी ऐड होंगे। तो 2020-21 के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, इस साल के लिए कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, हमारे सिलेबस को कम किया है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, रियल नंबर में दोस्तों क्या कम किया गया है, टॉपिक क्या रिमूव किए गए हैं। पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये पहला टॉपिक इस बार के लिए डिलीट किया गया है। ये आपको बुक में कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 15 में आपको 1.4 क्या है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसको आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसको नहीं पढ़ना है, इसको आप हटा लीजिएगा बुक से। एग्जाम्पल जो हमारा 11 दिया हुआ है ये भी हमें नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.4 ये भी नहीं पढ़ना है, तो आप इसको अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक क्या है रियल नंबर से, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। ये आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा दोस्तों, पेज नंबर 6 खोलिए, उसमें आप एग्जांपल 3-4 और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं इसको आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा टॉपिक दिया है हमारा रियल नंबर में डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। nth रूट का जो डेफिनेशन है वो हमारे इस बार के कोर्स में नहीं आएगा। बात करते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में क्या चेंज हुआ दोस्तों, पहला चेंज है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल। रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट और उसके एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट और एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। पेज नंबर 35 खोलेंगे आप तो वहां पे आपको रिमाइंडर थ्योरम और उसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपको इस बार के लिए नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.3 भी आपको इस साल के लिए नहीं करना है, तो इसको मार्क कर लीजिए। क्या है, पेज 35 खोलेंगे, एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 एंड एक्सरसाइज 2.3 को नहीं पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक क्या है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। पेज नंबर 40 खोलें, पेज नंबर 40 खोलेंगे, इसमें क्या है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम ओनली। इसका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट और उसका जो प्रूफ किया गया है उसी को ही डिलीट किया गया है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका सिर्फ प्रूफिंग एंड थ्योरम जो दिया गया है उसको नहीं पढ़ना है इस बार के लिए। तीसरा टॉपिक क्या डिलीट किया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इन पे बेस्ड। ये आप पेज नंबर 48 खोलेंगे, ये कौन सी आइडेंटिटी है दोस्तों, आठवीं आइडेंटिटी और लास्ट आइडेंटिटी इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये दिया हुआ है आपको, ये आपको नहीं पढ़ना है इस बार के लिए। इससे रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल 25 है, इसको नहीं करना है, और इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन है 11, 12, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 2.5 के सिर्फ ये चार क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो इन चार क्वेश्चन को नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन को पढ़ना है। बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से क्या हटाया गया दोस्तों, एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हमें सिर्फ इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स को छोड़ना है, बाकी सब चीजों को पढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया ही नहीं है। बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा नो डिलीशन, मतलब इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में हमें दिक्कत होगी। ये जो सब्जेक्ट हटाए गए हैं, जो कम किए गए हैं, ये सिर्फ इस साल के लिए दोस्तों।
इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें क्या है, डिलीट दिस चैप्टर, डिलीट द चैप्टर मतलब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है इस बार दोस्तों, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था तो इसको हटाया जा सकता था, तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को हटा दिया गया है। अगला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया दोस्तों, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, ये हमें पूरा पढ़ना है। अगला चैप्टर है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में से दो चीजें हटाई गई हैं, क्या है, पहला प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, कौन से थ्योरम का प्रूफ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड इफ एनी टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल एंड द इंक्लूड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, आपका जो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं दोस्तों यही है, ये आपका इसकी प्रूफिंग जो है वो हटा दी गई है। पेज नंबर 115 खोलिए, इसमें थ्योरम 7.1 जो है इसका ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल जो है इसको सिर्फ हटा दिया गया है, ए एस ए को हटा दिया गया, ये नहीं आने वाला है। और क्या डिलीट किया गया है, कौन सा टॉपिक डिलीटेड, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 129 पे, आप खोलेंगे यहां पे 7.6 में दिया गया होगा इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल, इससे रिलेटेड थ्योरम हमारा 7.6, 7.7, 7.8 ये सब नहीं पढ़ना है, और हमारा एग्जांपल 9 ये भी नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.4 ये भी नहीं पढ़ना है, इसका मतलब पेज नंबर 129 के आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस बार दोस्तों। बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें इसको पूरा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। अगला चैप्टर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, डिलीट द चैप्टर, डिलीट द चैप्टर, हमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, मार्क कर लीजिए दोस्तों, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स को नहीं पढ़ना है। बात करें सर्कल्स की, तो सर्कल्स में भी दो चीजों का चेंज किया गया है, क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर 175 को लिए, थ्योरम 10.5 में आपको ये चीज दी हुई है, इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 10.3, इसको भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, थ्योरम 10.3 और एक्सरसाइज 10.3 नहीं करना है। अगला क्या टॉपिक है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल, ये आपको कहां मिलेगा दोस्तों, पेज 181 पे खोलेंगे आप थ्योरम 10.10 में, 10.10 में आप देखेंगे कि ये गिवन है, इसको भी हमें नहीं करना है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शंस पे, कंस्ट्रक्शन में क्या डिलीट किया गया दोस्तों, क्या टॉपिक रिमूव किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, इस टॉपिक को डिलीट किया गया है, ये आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर 194 पे आप खोलेंगे तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन 11.6 टॉपिक पे दिया हुआ है, पेज नंबर 195 पे खोलेंगे तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 11.2, इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन 1, 2, 3 और बाद वाले करने हैं, सिर्फ चौथा और पांचवा नहीं करना है क्योंकि इससे रिलेटेड है ये, किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। हीरोंस फार्मूला की बात कर लें, ये हमारा नेक्स्ट अगला चैप्टर, इसमें क्या डिलीट किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ हीरोंस फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हीरोंस फार्मूला का जो एप्लीकेशन था क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करने के लिए, ये डिलीट कर दिया गया है, ये आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर 203 आप खोलेंगे तो यहां पे 12.3 दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ
इवंस फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया क्वाड्रिलेटरल्स, इसको नहीं करना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल 4, 5, 6 भी नहीं करने क्योंकि इसी से रिलेटेड है। आप पेज नंबर 206 खोलेंगे, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कौन कौन से नहीं करने दोस्तों, 1, 2, 3, 5 एंड 9, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको इस बार के लिए नहीं करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर से दोस्तों कोई डिलीट नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका फुल सिलेबस रहेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पूरा पढ़ना है। स्टेटिस्टिक में क्या चीजें हटाई गई हैं, इसमें हटाया गया है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कौन सा विद वेरिंग बेस लेंथ, जिसका बेस हमारा बदलता रहता है, जिसकी बेस की विड्थ अलग अलग होती है, ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 252 पे एग्जाम्पल 7, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपको उनको नहीं करना है। अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कोई भी न थ्योरम आएगा, न स्टेटमेंट आएगा और न इसके क्वेश्चन आएंगे। पेज नंबर 253 पे देखेंगे एग्जाम्पल 8 और 9 जो है वो किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के, इसको नहीं करना है, और जो एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। थर्ड है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा का जो भी मीन मीडियन मोड निकालना था इस बार के लिए हटा दिया गया है दोस्तों इसको। पेज नंबर 261 खोलेंगे, इसमें है 14.5 में दिया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी के अंदर हमारा मीन मीडियन मोड हम लोगों ने निकाला है, तो इसे बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 14.4 इसे नहीं करना है। बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया गया दोस्तों, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में साइंस और सोशल साइंस का लिंक दे दिया है, उनके जो सिलेबस चेंज हुए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।